नमस्कार। आज आपसे जो बातचीत हम करेंगे वो राज्य सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में करेंगे और उसमें जो भी प्रगति हुई है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिली है वो हम आपको बताना चाहेंगे और मीडिया के माध्यम से राज्य की जनता को भी बताना चाहेंगे, समाज के हर वर्ग को बताना चाहेंगे और आगे के लिए उनका सहयोग हम मांगेंगे। इसी प्रसंग में ये कहना है कि बिहार राज्य ने जल जीवन हरियाली मिशन नाम का एक अनूठा कार्यक्रम, यूनिक प्रोग्राम बिहार में बिहार सरकार के स्तर से, बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के फंड से शुरू किया था, जिसमें जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बहुत सारे कार्यकलाप शामिल हैं। उसके बारे में हमारे सहयोगी अधिकारी सावंत कुमार जी आपको विस्तार से बताएंगे। और सभी जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है और चला आ रहा है। इसी अवधि में भारत सरकार ने एक अपना कार्यक्रम भी पूरे देश के स्तर पर लॉन्च किया, जिसका नाम जल शक्ति अभियान था और अभी वर्तमान वर्ष में उसका नाम थोड़ा संवर्धित करके, एक्सपेंड करके जल शक्ति अभियान कैच द रेन कर दिया गया है। तो इस अभियान में भारत सरकार जो गतिविधियां कर रहे हैं या राज्यों से चाहते हैं कि करें, वो हम बिहार में पहले से जल जीवन हरियाली अभियान में करते आए हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा व्यापक तरीके से कर रहे हैं जो भारत सरकार का कार्यक्रम है। तो ये दोनों कार्यक्रम अब एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार के बिहार के कार्यक्रम का नाम जल जीवन हरियाली अभियान है और इसी प्रसंग में जो बिहार के दो ज़िले हैं, पूर्वी चंपारण और गया, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और इन ज़िलों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पूर्वी चंपारण के शीर्षित कपिल अशोक जी और गया के त्यागराजन जी, इन्होंने राष्ट्रपति जी के कर कमलों से ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर ग्रहण किया है, जो बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम इन दोनों अधिकारियों को और इनकी टीम को भी इसके लिए बधाई देते हैं। और ये दोनों अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, अभी हमारे बीच आए हुए हैं, तो हम इन्हें भी सुनेंगे, इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने क्या काम किया है। तो मैं पहले माइक पर आमंत्रित करूँगा श्री सावंत कुमार जी को, जो ग्रामीण विकास विभाग में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन निदेशक हैं राज्य स्तर पर, पूरे राज्य में इसके चलाने के लिए ये जिम्मेवार हैं। और मैं इनको अनुरोध करूंगा कि ये माइक पर आएं और जल जीवन हरियाली अभियान क्या है और राज्य स्तर पर इसकी उपलब्धियां क्या हैं ये हमको बताएं, और जब ये अपना संबोधन कर लेंगे तब उसके बाद मैं पहले पूर्वी चंपारण जिला के जिलाधिकारी को और फिर गया जिले के जिलाधिकारी को आमंत्रित करूंगा। तो अब मैं इनको माइक हैंड ओवर करता हूँ, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। 29 मार्च को कल जो है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो है पूर्वी चंपारण को थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जो है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी फर्स्ट प्राइज इन द ईस्ट जोन दिया गया है। बेसिकली ये जो अवार्ड जो है केंद्र सरकार के माननीय महामहिम के द्वारा जो दिया गया था, ये जो जल जीवन अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार के विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स है जिसका जिला स्तर पर जो क्रियान्वयन हो रहा था और उसका रिजल्ट क्या आया, इसके असेसमेंट पर जो केंद्र सरकार की टीम समय समय पर वहाँ पे आती थी, उसके आलोक में जो है पूर्वी चंपारण को दिया गया है। मुख्यतः मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि वाटर अवार्ड्स में वाटर कंजर्वेशन एक कैटेगरी रहती है, जहाँ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है या स्टेट्स है या डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर क्या काम होता है, और वाटर मैनेजमेंट भी कैटेगरी होती है जहाँ पर पानी का जो है किस तरीके से हम प्रबंधन करते हैं। तो जल जीवन अभियान जो है उसके तहत जैसे मिशन डायरेक्टर साहब ने जो बताया है कि 11 हमारे विभाग है, उसके विभिन्न जो काम थे पूर्वी चंपारण जिले में भी कराए गए।
जिसमें मुख्यतः जो है 535 जल संचयन के जो अतिक्रमण हुए थे, जो हमारे पोखरा थे वो हटाए गए थे, उसके अलावा 315 तालाबों का सौंदर्यीकरण किया था, उसके साथ साथ जो है 290 जो हमारे इमारतें थे, सरकारी इमारतें, उसमें रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के तहत जो है काम किया गया था, 1632 खेत में भी जो एग्रीकल्चर है वो पोखर बनाए गए थे, 1071 जो है कुओं का जीर्णोद्धार भी किया गया था, लगभग 16,000 जो है सोख्ता छोटे छोटे जो है जल संचयन के लिए जो है बनाए गए थे, इसमें वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जो है मोती झील में एक एक्टिविटी की गई थी। क्या है वाटर स्पोर्ट्स? सर रोइंग क्लब 1956 में सर देन डीएम साहब ने वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, तो डिलैपिडेटेड स्टेट में था तो उसको जीर्णोद्धार करके वहाँ पे रोइंग कायाकिंग वगैरह ये स्टार्ट किया है। अभी जलकुंभी वहाँ पे आई हुई है सर, तो बुड़को के द्वारा हम जो है वहाँ का जलकुंभी हटाना और ड्रेजिंग ये भी इक्विपमेंट सर हम परचेस कर रहे हैं। सर 29 लाख पौधारोपण भी जो है वृक्षारोपण किया गया था। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूँगा, जब लॉकडाउन हुआ था तो जो हमारे श्रमिक भाई थे जो आ रहे थे, तो उनको जो अप्रैल और मई का महीना था उसमें 1 लाख मैंडेज जो है क्रिएट किए गए थे इसका, और ये जो मैंडेज थे हमने मनरेगा में जो है ज़्यादातर जो है जल संचयन की जो संरचना है उसके निर्माण करने के लिए जो है ये लोग काम कर रहे थे, जिसके कारण जो है अल्टीमेट जो रिजल्ट आया था पूर्वी चंपारण जिले में 2 से 3 फीट का जो है पानी का जल स्तर बढ़ने का वहाँ पे बता गया। इसमें मैं मुख्यतः जरूर बताऊँगा कि जो विभाग है ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग, लघु सिंचाई विभाग, एग्रीकल्चर, नगर विकास, भवन निर्माण, स्वास्थ्य विभाग, पशु विभाग, बहुत सारे विभागों ने अच्छा काम किया है और मैं राज्य सरकार को जिला प्रशासन की ओर से सर धन्यवाद देता हूँ सर। और साथ ही में सर कैच द रेन भी जो है उसके अभियान के तहत भी हम सर काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मुख्य सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, हमारे सम्मानित मीडिया हाउसेस के सम्मानित सदस्यगण, सभी लोगों को मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। गया जिला को ईस्ट जोन के लिए बेस्ट विलेज पंचायत, तेलारी विलेज पंचायत जो बथानी ब्लॉक में अवस्थित है, उसके लिए अवार्ड नेशनल वाटर अवार्ड मिला था। जैसे हमारे साथियों ने बताया, राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान में 11 अवयव है, जिसमें सार्वजनिक जो सार्वजनिक तालाब अहर पैन का अतिक्रमण से मुक्त कराने से लेकर के सार्वजनिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नया जल स्रोतों का सृजन, ऐसा 11 बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। इसमें पांचवा अवयव अगर हम लोग देखें, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरचनाओं का निर्माण और पहाड़ी क्षेत्रों में जल संग्रहण की व्यवस्था, इसके तहत एक इंटीग्रेटेड मॉडल नीमचक बतानी ब्लॉक के पहाड़ी क्षेत्र में तेलारी गांव में विकसित किया गया। इस गांव का इस प्रोजेक्ट का महत्व ये रहा कि पहले पानी जो बारिश में वर्षा के पानी आती थी पहाड़ से निकल करके ड्रेन आउट सरफेस रन ऑफ हो जाती थी और संग्रहण नहीं हो पाता था, जिससे वहाँ पर पेयजल का भी संकट होती थी और सिंचाई का भी कोई साधन नहीं रहता। तो इसलिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक इंटीग्रेटेड मॉडल विकसित किया गया, जिसमें पानी जो वर्षा के पानी जो पहाड़ से निकलती थी वो पहाड़ के नीचे संग्रहण क्षेत्रों में एक वाटर रिजर्वायर बनाया गया, उसके लिए 2 चैनल बना करके वाटर रिजर्वायर के साथ कनेक्ट किया गया। पानी जैसे वाटर रिजर्वायर में पहुँचती है वहाँ पर रिचार्ज बोरवेल का भी निर्माण किया गया। इसका काम है कि बोरवेल या ट्यूबवेल लगाए जाते हैं, एक्वीफर जहाँ तक है वहाँ तक रीच होगा और उसके साथ उसके सराउंडिंग में 10 फीट पर 10 फीट का परमिएशन पिट लगाए जाते हैं और आसपास पॉन्ड के खुदाई किए जाते हैं। इसका महत्व ये रहता है कि जब पानी वहाँ पर स्टोर होता है जितना देर स्टोर होगा उतना रिचार्ज होते रहेगा। उसके आगे चेक डैम का भी निर्माण किया गया है ताकि ज़्यादा अवधि तक पानी वहाँ पर रहें, और उसके बाद जो एक्सेस सरप्लस पानी चेक डैम के ऊपर से निकल जाती है उसका संग्रहण करने के लिए एक कच्चा पैन के निर्माण करा करके आस बगल में एक निजी ज़मीन में तालाब का खुदाई भी कराया गया है लोगों के सहयोग से, लोगों से बातचीत करके, ताकि वहाँ का पानी संग्रहण हो। तो इसका एक साथ में लगभग 2000 प्लांटेशन भी उस एरिया में उस क्षेत्र में कराया गया। इसमें लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में भू जल स्तर के वृद्धि हुआ है और पाया गया टेलीमेट्री में, जो 2019 में
जो भू जल स्तर उस क्षेत्र में पाया गया 45 फीट, और अभी 2021 में हाल में पाया गया, 2020-21 में योजना का क्रियान्वयन हुआ था, 21 में पाया गया कि वहाँ पर भू जल स्तर 23 फीट तक इम्प्रूवमेंट हुआ। वहाँ पर यह भी देखा गया कि चापाकल जो सूख जाता था उस वैसे स्थिति पिछले साल नहीं देखा गया, और वहाँ पर सिंचाई का भी साधन मिला, तालाब में पानी संग्रहण होने से मत्स्य पालन का भी संभावना बनी है, और इस प्रकार जो जल जीवन हरियाली के जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राप्त करने में यह योजना सफल रहा। और इस प्रकार की आइसोलेटेड कई प्रोजेक्ट्स गया जिला में क्रियान्वित किए जा रहे हैं लगातार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 80 लाख के ऊपर पौधारोपण किया गया पिछले साल, 3642 सार्वजनिक जल संरचना या तालाब पोखर का निर्माण किया गया, 532 कुओं का जीर्णोद्धार किया गया जो अवयव 3 है जल जीवन हरियाली अभियान का, छोटी छोटी नदियों नाला पहाड़ी क्षेत्र में जल संग्रहण तो 200 संरचनाएं का निर्माण किया गया है, और नया जल स्रोत 440 संरचना सृजित किया गया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो भवन के ऊपर होते हैं वो 416 संरचना ऐसा निर्माण किया गया। इस प्रकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गया जिला जो सुखाड़ प्रभावित जिला माना जाता है उसमें लगातार काम चल रहे हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिल रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि सर के द्वारा भी स्पष्ट किया गया, जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत हम लोगों राज्य में काफ़ी सारे अभियान पर काम कर रहे हैं, और ये अभियान 2 अक्टूबर 2019 को राज्य में शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत कुल 11 अभियान हैं, और जिसका मूल उद्देश्य जो बिहार को सुंदर हरित स्वच्छ बनाने और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कारगर ढंग से कैसे निपटे, पारिस्थितिकीय संतुलन को कैसे बनाए रखे, राज्य में जल उपलब्धता को कैसे सुनिश्चित रखे, वन आच्छादन हरित आवरण को हम राज्य में कैसे बढ़ावे, साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग और ऊर्जा की बचत पर आम नागरिकों में एक जागरूकता उत्पन्न करना, और बदलते पारिस्थितिकीय परिवेश में जलवायु अनुकूल कृषि आदि सभी अवयव को मिला के जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक 16,680 जो हमारे सार्वजनिक जल संचयन की संरचना थे उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इसी के साथ यानी तालाब आहार वगैरह, यस तालाब आहार पाइन इनसे जो भी जल संचयन संरचना होते हैं उनको अतिक्रमण मुक्त हमारे राजस्व पदाधिकारी के द्वारा कराया गया। इसी प्रकार 8,595 तालाब पोखरों का निर्माण कराया गया, 7,123 सार्वजनिक आहारों का निर्माण कराया गया, 15,323 जो पाइन होते हैं उसका निर्माण कराया गया। इसी प्रकार 14,889 सार्वजनिक कुएँ जो थे ग्रामीण एरिया में और शहरी एरिया दोनों जगह है इसका जीर्णोद्धार कराया गया, और इसके साथ ही साथ 1,18,211 सार्वजनिक चापाकल के किनारे सौकपित का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। इसके अलावे राज्य भर में छोटे छोटे नदियों नालों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में नए जल संचयन की संरचना अर्थात चेकडैम 7,657 का निर्माण कराया गया है। इसी तरह जो जितने भी सरकारी बिल्डिंग हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण कराया गया है जिसकी संख्या 13,321 है, और साथ ही साथ हमारे जो भी नगरीय एरिया में बिल्डिंग बन रहे हैं वहाँ पर ये अनिवार्य किया गया है कि वो वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। इसके अलावा राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसमें अब तक 7,84,00,000 पौधे का लगाया गया है। वैकल्पिक फसलों जैसे और टपकन सिंचाई जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के द्वारा लगातार नित्य नए तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, और इसी क्रम में जैविक कॉरिडोर के तहत जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 2,000 सरकारी भवनों पर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जा चुका है, और इस दिशा में लगातार कार्ययोजना बना के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। जल जीवन हरियाली अभियान के बेहतर समन्वय हेतु और आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु लगातार हम लोग
जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं और प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को किसी विशेष टॉपिक पर हम लोग एक जागरूकता शिविर का भी आयोजन करते हैं। कुल मिला के पर्यावरण संतुलन को समर्पित यह अभियान अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत अग्रसर है और धीरे धीरे ये आज एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उसी का परिणाम है कि राज्य को इस दो कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। धन्यवाद।